नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज़, खबर भी असर भी। आइए देखते हैं बिहार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ चंचल कुमार। आपको लग गया होगा कि हम इस बार कच्ची सड़क पे हैं और निश्चित तौर पर यदि कच्ची सड़क पर होंगे तो जनता की समस्या होगी। तो तमाम हम समस्याओं को लेकर आपके साथ आए हैं। तो इस वक्त हम मधेपुरा जिला का यह मुरलीगंज प्रखंड क्षेत्र का रघुनाथपुर पंचायत है और रघुनाथपुर पंचायत का यह वार्ड 8 है। और आज भी जहां पर हम एक तरफ चांद पर पहुंच चुके हैं तो यहाँ के लोग आज तक यहाँ पर पक्की सड़क नहीं है। एक तरफ हम चांद पे जा रहे हैं और यहाँ पे पक्की सड़क नहीं, इतनी असमानता अभी भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे काफी ग्रामीण है और ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जो जनप्रतिनिधि पर विश्वास जताते हैं कि अब नहीं तो फिर अगले जनप्रतिनिधि के द्वारा हम लोगों को यह सड़क मिलेगा, क्योंकि बरसात के दिनों में यहाँ से पैदल गुजरना काफी परेशानी का सबब बन जाता है। यहाँ पर जो है स्थानीय युवा है, इनसे बात करते हैं कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्या कुछ चुनाव के समय वादे किए जाते हैं और चुनाव को लगभग काफी करीब 1.5 साल होने चले हैं, तो इन दिनों में वादे कितने जमीन पर नजर आ रहे हैं और क्या कुछ इन लोगों को जो है वादे पूरा नजर होते आ रहे हैं, इन तमाम बिंदुओं पर क्या नाम होगा? मेरा नाम दिनकर कुमार हुआ। शुरुआती दौर से आप लोग बचपन से कच्ची सड़क पर देख रहे हैं? सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। ये रघुनाथपुर पंचायत का वार्ड नंबर 8 है। लगभग हम लोग 2-3 साल से इस कच्ची सड़क से गुजरते आ रहे हैं, मेरे पापा दादाजी हम लोग, तो ये उम्मीद कच्ची सड़क से तो हम लोग आस लगाए बैठे थे कि नए प्रतिनिधि बनाएंगे, नए प्रतिनिधि बनाएंगे, नए मुखिया रहेगा, नए उप मुखिया रहेगा, युवा रहेगा, एकदम काम होगा। हम लोग इस पे काम किए चुनाव में, नया प्रतिनिधि एकदम तैयार किए, मुखिया जी को बनाए, उप मुखिया को बनाए। देख लीजिए, आप भी देख सकते हैं और हम भी देख सकते हैं, अगर 2 दिन बारिश हो जाती है यहाँ पे तो पैदल जाना यहाँ से इस संदर्भ में आप स्थानीय जनप्रतिनिधि से बातचीत हुई तो क्या कुछ आश्वासन मिला है या नहीं? लगभग 3-4 महीना से 5 महीना से हम मुखिया जी को फोन कर रहे हैं, उप मुखिया जी को फोन कर रहे हैं। उप मुखिया का घर ये हुआ, देख लीजिए, यही घर है। इनको भी जब मिलता है तब बोलते हैं तो हो जाएगा, अभी फंड नहीं है। हम कहते हैं कि इसमें कौन सा फंड लगेगा, कितना खर्चा है इसमें, 5 से 6 टेलर राबिस नहीं लगेगा, इसमें कौन सी फंड वाली बात है। ये घर है उनका, यहाँ पे सभी ग्रामीणों को देखते हैं कि कितने दिक्कतों की समस्या करनी पड़ती है, इसमें आप फंड का इंतजार करेंगे? तो कहने का तात्पर्य है ये जो समस्या है कच्ची सड़क और बरसात के दिनों में जो समस्या है ये शुरुआत से ही बनी हुई है, लेकिन इस पर किसी जनप्रतिनिधि की नजर जो है निराकरण की तरफ नहीं है। जी नहीं, इसमें कोई भी समस्या के समाधान में कोई भी जनप्रतिनिधि निराकरण की समस्या को आगे लेकर के नहीं आए। हम लोग आस लगा के उनपे रिक्वेस्ट किए, उससे प्रार्थना किए, सर कुछ 4-5 टेलर राबिस गिरा दीजिए, हम लोग को जाने में असमर्थ, मतलब असम हो रही है। तो निश्चित तौर पर जब परेशानी होती है तो दिल में कई प्रकार के दुख जो उभर कर आते हैं, तो चूंकि आप देख सकते हैं जो रास्ते हैं वो बिल्कुल कच्ची सड़क है। एक बुजुर्ग बाबा है, हम इनसे भी बात करेंगे। की नंबर बाबा? हाँ हाँ, नूनूलाल यादव। शुरुआत से अथे रहे छे। हाँ, बरसात के दिन में की है यार, बहुत हालत गड़बड़ रहे छे, पैदल भी नहीं आदमी सोच सके छे। अभी जे छे से 2 किलोमीटर घूम के तो पैदल जाए छे। अच्छा, देश जे छे देखने हेबे कि भारत चांद पर चल गेले है, आज तक अभी तक सड़क, अभी तक सड़क हमरा के अध्ययन छे कि जी लगभग 20 बरस आर से नहीं बनले सड़क और देश चांद पर चल गेले। तो इतनी असमानता यहाँ पर आप साफ तौर पर देख रहे हैं, यहाँ और भी एक युवा है, क्या कहेंगे? चांद पर कहीं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ गड्ढा है, इधर तो कम है, आगे जाके देखेगा और ज्यादा है, तो काफी परेशानी होती है, बहुत। निश्चित तौर पर इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जो स्थिति है और जो यहाँ पर समस्या है वो साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि कच्ची सड़क और बरसात के दिनों में उनसे गुजरना कितना परेशानी का सबब बन जाता है। जो भी समस्याएं हैं वो तमाम समस्या जनता, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि किस तरह ये गड्ढे हैं, कच्ची सड़क है और ये शुरुआती दौर से हैं। हमेशा जनता चाहती है कि जनप्रतिनिधि जब आएंगे, बदलाव की बातें होगी तो निश्चित तौर पर जो है कुछ ना कुछ विकास का जो है करने का जो है तरीका बदलेगा, लेकिन उन तमाम चीजों के बीच जो है तरीका तो नहीं बदला, ना ही यहाँ पर विकास इन लोगों को दिख रही है। क्या लगता है कि जो समस्याएं बरकरार है तो क्या कुछ आपको लगता है इस बारे में? आश्वासन तो दिया जा रहा है लेकिन कहाँ कोई जो है, बहुत जगह गड्ढा है, बहुत बार जो है, अगले बार हम लोग विधायक से भी करवाए थे, अब की बार जो है मुखिया को कहते कहते परेशान है, कोई नहीं सुन रहा,
किसी भी जनप्रतिनिधि के पास इसका जो स्थायी निराकरण किसी के पास नहीं। तो तमाम जो परेशानी है, कहते हैं ना कि परेशानी भी तब जो है समस्या उभर कर आती है जब जनता जो जनप्रतिनिधि है उनके किए वादे से त्राहिमाम हो जाते हैं, तो तमाम समस्या सामने आई जाती है। तो फिलहाल हम दिखा रहे थे ये जो जनता की बातें हैं, चूंकि जनता अपना जो है एक मत होकर जनप्रतिनिधि को अपने प्रतिनिधित्व तो करने की क्षमता प्रदान करते हैं ताकि उनकी जो समस्या है वो रख पाए, समस्याओं को दूर कर पाए। लेकिन जब समस्या दूर नहीं होती है तो उनके मन में जो सवाल वो तमाम सवाल हमारे माध्यम से रखते हैं। और यहाँ पर चूंकि बगल में आप भी सुने होंगे कि उपमुखिया का भी आवास यहीं पर है और उनके घर के आगे कई तरह की बातें हैं कि जनप्रतिनिधियों का इन समस्याओं पर कोई भी नजर नहीं है। सर है कैसे नहीं, रोड बनना चालू हो गया, 700 फीट बन चुका है, इसका भी सब कुछ हो गया है, बारिश की वजह से नहीं बन रहा था। बारिश के कारण रुका हुआ, बारिश के कारण रुका हुआ है, अब 10 दिन के अंदर चालू हो जाएगा ये काम, बाकी सारे काम हो चुका है। तो जनता त्राहिमाम है, उनके बीच इस बात को लेकर तो आपको जागरूकता होना चाहिए, जो काम सैंक्शन हो चुका है बस उनकी बोले हैं जनता को, जनता को अभी तुरंत चाहिए, आज बोले आज चाहिए जनता को। आखिर जनता आप पे विश्वास जताती है तो कर तो रहे हैं, जागरूक तो करना होगा, कर तो रहे हैं काम, आप उनके प्रतिनिधित्व करते हैं, कर रहे हैं काम, काम हो रहा है। तो ये जनता है, चूंकि जनता के मन में तब आक्रोश होता है जब वो उम्मीद रख जनप्रतिनिधि से करते हैं, उनकी उम्मीद पर जब जनप्रतिनिधि खड़े नहीं होते। हालांकि उप मुखिया ने इन बातों को कहा कि सड़क का सेंक्शन हो चुका है और बारिश के कारण, ये क्या इसकी हकीकत है, क्या सच्चाई, हम पुनः इन चीजों को लेकर जरूर आएंगे कि क्या यह 10 दिन में बारिश खत्म होने के बाद यह काम चालू हो पाता है या फिर यह एक चुनावी हवाला या वादे बनकर रह जाते। तमाम चीजों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे दी। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। तब तक के लिए बने रहे, देखते रहे मधेपुरा से अनुभवी आंखें के लिए ब्यूरो रिपोर्ट चंचल कुमार। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट, तो देखते रहे अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार, हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड फोटो कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।